हेलो जी, गुड इवनिंग। इस समय देखिए कैसा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और जो ये वाला हमारा प्लाट है इसके अंदर पानी भर जाता है। तो देवर जी और मम्मी जी क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके इसमें नाली बना रहे हैं कि जैसे कि पानी है ना सारा बाहर चला जाएगा। और देखिए कितना ज़्यादा राम जी घुट के आ गया ना, बादल इतने घने हैं और टाइम लगभग 4:30 हुए हैं शाम के, और ऐसे लग रहा है जैसे 7:30 का टाइम हो गया हो। देखिए आप कितना ज़्यादा गहरा बादल है ये, है ना। मैंने सोचा आपको कैप्चर करके दिखाती हूँ और कितनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश आने वाली है ये आप आगे देखना। इधर से पानी बाहर निकल जाएगा ना जी। तो कौन सा पौधा है? इसे फूल आते हैं रेड कलर के। और ये है गुलाब, ये वो ये ना रेनू घर से लाया है, ये रेनू घर से लाया हुआ है ना। कौन सा? ये वाला गुलाब। गुलाब तो हाँ। और वो मोगरा, वो कभी से है ना जी, ये तो बहुत पहले से है। तो देखिए जी लगभग 15 मिनट के बाद ही, जब हमने नाली बना दी थी ना उसके 15 मिनट भी नहीं लगे थे, उसके अंदर ही बारिश शुरू हो गई। और देखिए बारिश आई भी है तो कितनी ज़बरदस्त बारिश आई है, कितना मतलब पूरी गली भर दी है इस बारिश ने। और मतलब कोई आने जाने वाला इंसान है वो आसानी से नहीं आ सकता। और अभी सब लोग नहाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर हमारे। तो और जी यहाँ देखिए गोलू और उसके पापा भी नहाने के लिए आ गए हैं। और इनको देखकर जो यस्सु है ये भी जिद करने लगी है कि चाचा मुझे भी नहाना है। अभी तक चाचा का तो इरादा नहीं था यस्सु के चाचा का नहाने का, लेकिन अभी ये नहाने लग गए। देखिए तो जी बारिश आते ही हो जाते हैं कुछ ऐसे हालात कि सबका मन खुश हो जाता है। अभी देखिए मोहल्ले में आपने देखा कि मोहल्ले के कितने बच्चे नहा रहे हैं, है ना। और हमारे घर पे भी सब लोग अब लगभग नहा रहे हैं कि सबको अच्छा लगता है बारिश में नहाना। अब क्या है कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो नहाने का बनता भी है, और इस बारिश के साथ साथ कुछ गर्मा गर्म पकौड़े और चाय हो जाए तो कहना ही क्या है। इसलिए मेरा मन कर रहा था पकौड़े खाने का, तो लेकिन हरी मिर्ची नहीं थी तो मैंने कहा जाइए आप भाभी के घर से मिर्ची लेके आइए। तो मैंने इनको भेजा है मिर्ची लेने के लिए। और देखिए आप आसमान से बादल कैसे पानी लेके आ रहे हैं वापस से।
और ये देखिए गाय भी नहा रही है, इनको भी मतलब पशु होते हैं उनको भी तो ठंडक चाहिए होती है ना, तो वो भी नहा रहे हैं और मैंने इनको भेज दिया ये देखिए जा रहे हैं मिर्ची लेने के लिए अभी। और मैं इनसे कह रही हूँ आप नहा रहे हो हाथ धो लेना। तो वो तो वो चाची जी का देखो वहाँ पे वो भी हमारा ही घर है चाची जी वाला, तो उस नाले में जाके ये नहाए भी गए और उसमें हाथ भी धोएंगे ऐसे कह रहे हैं। देखना अभी आप लोग, काफ़ी अच्छा लगता है नाले में खड़े होकर नहाना। जो ये छत के ऊपर जो नालियाँ होती हैं साफ़ होती है अपनी छत हमेशा जो साफ़ करके रखते हैं ना, उससे साफ साफ पानी आता है। फिर वहाँ बचपन में हम भी नहाते थे छोटे छोटे थे तब, नाले के नीचे खड़े हो जाते थे और काफ़ी अच्छे से बारिश आती थी उस समय तो नहा लिया करते। और ये देखिए कितना गहरा पानी भर गया है, घुटनों तक पानी आ गया है लगभग। और इससे आगे थोड़ी ज़मीन और नीची है चाची के घर के सामने, तो वहाँ पे तो बिल्कुल मतलब आपको दिखाऊंगी मैं फ़ोटो में, काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। और यहाँ मम्मी मतलब जब भी बारिश आती है तो सबसे ज़्यादा सभी लेडीज़ एक ही काम करती हैं, जो अपने बाहर का दरवाज़ा होता है दरवाजे के सामने जो चौकी बनी हुई हुई होती है वो, और एक छत, ये दोनों धोने का सबसे पहला वो काम करते हैं। तो मम्मी जी इधर ये जो चौक ये जो पैड़ियाँ बनी हुई इनको धो रही हैं। और ये देखिए चाचा यस्सु के चाचा वापस आ गए हैं, और पता नहीं इन्हें मिर्ची मिली है या नहीं मिली है, अभी तो मिल गई है। देखिए ये आधी खा रहे हैं हाथ में, ये मिर्ची ले आई और अब हम बनाने वाले हैं पकौड़ी। क्या कि हमारे घर पे मिर्ची थोड़ा कम यूज़ होती है, लेकिन पकौड़ी के अंदर तो मिर्ची अच्छी लगती है ना, तो मैंने मंगवा ली थी चाची से, मंगवा ली थी भाभी से मंगवा ली थी। तो ये देखिए बच्चे, ये सभी बच्चे नहा रहे हैं और ये भाई साहब पीछे रह गए इनसे, ये अब आ रहे हैं। नहीं और ये बारिश पता नहीं कब तक चलेगी, काफ़ी तेज़ बारिश। और जी यहाँ पे मैंने प्याज और जो आलू हैं वो कट कर दिए थे, और साथ में ही तीन जो हरी मिर्च हैं वो भी कट कर दी थी। अब मम्मी इसका घोल बनाएंगी और उसके बाद में मम्मी ही पकौड़ियाँ बनाएंगी, जो भी कुछ डालना है वो मम्मी डालेंगी इसके अंदर। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले तो बेसन डाल दिया था, बेसन के बाद में थोड़ी सी जो धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर, मिर्ची, और इसके अलावा क्या क्या डालते हैं मम्मी, एक तो जो हरा धनिया होता है ना तो वो सूखा हुआ था वो डाल दिया थोड़ा सा इसके अंदर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये सब डालने के बाद ना काफ़ी टेस्टी और खुशबू आती है जो पकौड़ियाँ होती हैं उनके अंदर, तो हम ये सब चीज़ें ज़रूर डालते हैं जब भी बनाते हैं। बाकी पालक था नहीं तो पालक के काफ़ी अच्छे पकौड़े बनते हैं, लेकिन पालक घर पे फ़िलहाल मौजूद नहीं था तो हमने खा ले आलू और प्याज के ही पकौड़े बनाए हैं, लेकिन ये भी काफ़ी टेस्टी बनती हैं। आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी आ जाइए खा लीजिए पकौड़ियाँ हमारे साथ में बैठ के, ठीक है। देखिए जी ये बन रहे हैं पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ, आप भी खा लीजिए। देखो इन्होंने तो डाल भी लिए हैं, ये देखिए मैं चाय लेके जाती हूँ, अब सब लोग बैठ के पकोड़े खाएंगे, हमारे पकोड़े लास्ट पाव है समझ लो, इसके बाद में सारे बन गए, अब हम साथ बैठ के चाय पीते हैं, ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं। तो देखा जी आपने पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं, और मैं पकोड़े डाल लेती हूँ प्लेट के अंदर, चाय भी डाल लेती हूँ और जाते हैं हम बैठक के अंदर, सभी साथ मिलके चाय पियेंगे पकौड़े खाएंगे, ठीक है। हाँ तो जी अभी बज चुके हैं रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, देखिए 10:45 हो चुके हैं, ठीक है। और बारिश अभी भी आ रही है, देख रहे होंगे हम लोग है ना, बारिश अभी भी आ रही है, और आज पूरा मौसम ठंडा कर रखा है बारिश ने, बहुत अच्छा मौसम कर रखा है। और आपको दिख रहा होगा मेरे को आ रही है नींद। मैंने सोचा एक बार ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, ठीक है। अभी भी बारिश थमने का नाम ले ले रही है, अब थोड़ी बहुत देर में लाइट चली जाएगी देख लेना, लेकिन मौसम ठंडा है तो पंखे में गुजारा हो जाएगा, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो चला रखा है हमने कूलर, चलो फिर भी कोई बात नहीं। और यस्सु माँ पापा के पास है, अंधेरा है वहाँ पर, फिर भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। इधर सब लोग सो रहे हैं, मतलब टीवी देख रही है यस्सु, कार्टून देख रही है, बाकी माँ बाबा सब लोग, माँ बाबा चाचा तीनों
किसी को नींद आ गई है, कोई जग रहा है नहीं। तो जी अगर आपको मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपके इधर भी बारिश आ रही है मुझे बताना कमेंट करके, या फिर हमें ये राम जी भिगो के जा रहा है आज। अभी अच्छा लग रहा है मुझे तो, आज कई दिनों बाद बारिश हुई है, 3-4 दिन बाद बारिश हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, बाद में भूल जाओगे आप लोग, और लाइक कर देना जाते जाते। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, नींद आ रही है, एक बार सूजी सूजी हो रही है मेरी आँखें, है ना। ठीक है, बाय।